Hello students, welcome back. Let's continue our geometry. ये वीडियो में हम लोग एंगल सीखेंगे. ये एंगल क्या होता है? ये एंगल जो है दो रेस से फॉर्म होता है. रेस उनको मालूम है रेस कैसे होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बट एंड पॉइंट नहीं होने वाला हम लोग रेस होता है, राइट? तो ऐसे दो रेस जिसका शुरुआत वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों पे कॉमन होगा, ठीक है? माने दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा तब बनेगा एंगल. ओके, तो एंगल क्या है? ये दो रेस जो है इसका बीच में देखो खाली जगह है, यहां से लेकर यहां तक का जो खाली जगह है उसको हम एंगल बोलते हैं. ओके, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का सेम स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं. ओके, एक एंगल ले लेते हैं. लेट्स टेक एन एंगल. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, तो ये ओ को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्टेक्स. और देखो यहाँ पे खाली जगह जो है, खाली जगह यहां से लेकर यहां तक एंगल है बोला, तो बाहर में भी तो खाली जगह है, यहां से लेकर यहां तक खाली जगह है ना, तो ये भी एंगल है. तो ये अंदर वाला को हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, और बाहर वाला को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल. ठीक, तो एंगल क्या है? एंगल जो खाली जगह फॉर्म होता है किससे? दो रेस से जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो. ओके, सो द स्पेस बिटवीन टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड क्या? एन एंगल. चलो, तो अभी एंगल मालूम हो गया. एंगल का मतलब है दो रेस का बीच में जो खाली जगह फॉर्म होगा उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं. तो एंगल का नाम कैसे लिखते हैं? लेट्स सी. लेट्स सी, ये एंगल है पी पॉइंट, ओ पॉइंट एंड क्यू पॉइंट. ओके, तो एंगल का नाम लिखना है तो हम लोग एक शॉर्टकट सिंबल लगाते हैं. ये एंगल का सिंबल है, एल नहीं है, दिस इज नॉट एल बट अ सिंबल ऑफ एंगल. एंगल का सिंबल है. तो एंगल का नाम लिखने के लिए जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स दोनों का कॉमन पॉइंट है, ऐसे आने वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स कॉमन पॉइंट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग बीच में रखते हैं. तो देखो आप यहीं से शुरू करो या यहीं से शुरू करो, एंगल का नाम होगा. ओके, तो चलो पी ओ क्यू. देखो पी ओ क्यू वर्टेक्स जो एंगल है, जो एंगल है उसको हमेशा बीच में रखना है. ओके, आप पी ओ क्यू भी बोल सकता है और अदरवाइज आप यहां से देखे तो क्यू ओ पी भी बोल सकता है, क्यू ओ पी. सो हम लोग एंगल का नाम ऐसे लिखते हैं. नाउ लेट्स सी एंगल को हम लोग कौन सा यूनिट से नापते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नापते हैं. चलो, हम लोग ने लंबाई का लाइन नापने के लिए देखा था, कोई भी लाइन सेगमेंट हो, ये कोई भी लाइन सेगमेंट हो ए बी, हम लोग इसको क्या से नापते हैं? हम लोग इसको रूलर से नापते हैं, रूलर को लेके आते हैं. और जो आप कौन सा पॉइंट से शुरू कर रहे हो वो जीरो रखो, और कितना तक आता है नंबर वो हम लोग का यूनिट होता है. और हम लोग को मालूम है रूलर में कौन सा यूनिट होता है? सेंटीमीटर. लंबाई नापना है तो हम लोग सेंटीमीटर से नाप सकते हैं, मीटर से नाप सकते हैं. बट अभी यहाँ पे हम लोग क्या है कि एंगल को नापने के लिए उसका यूनिट, लंबाई नापने के लिए तो सेंटीमीटर या मीटर से नापेंगे, बट एंगल को नापने के लिए यूनिट डिग्री से, डिग्री हम लोग डिग्री से नापते हैं, जिसका सिंबल है ऐसे. ठीक है, तो लेट्स सी हम लोग एक नाप के देखते हैं. और एंगल को नापने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं? प्रोटेक्टर, जो आपका
इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है, इसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे नापता है, लेट्स सी, मैं एक एंगल बना लेता हूं पहले, तो चलो एंगल बनाए, ठीक है, ए ओ लेट्स सी बी, ये एंगल को नापना है तो हम लोग क्या करना है, इसका जो नीचे वाला जो रे है, इसका जो नीचे वाला रे जो है हम लोग इसके साथ मिलाएंगे। आप लोग को प्रोटेक्टर में देखो, प्रोटेक्टर में दो तरीका का, देखो आप लोग देख सकते हैं, दो तरीका का यूनिट होता है, जेरो से शुरू कर रहे हैं, जेरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी हंड्रेड एंड कीप ऑन 180, फिर यहां से भी शुरू हो रहा है जेरो से, जेरो टेन ट्वेंटी थर्टी, मतलब इस साइड से भी जेरो से शुरू हो रहा है और इस साइड से भी जेरो से शुरू हो रहा है। तो हम लोग कौन सा वाला नंबर को लेना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, आप अच्छे से देख लेना, ओके। और यहाँ पे आपका एक मिडल पॉइंट होगा प्रोटेक्टर का बीच में, एक मिडल पॉइंट, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ ये देखना है, नीचे वाला रे को हम लोग प्रोटेक्टर का नीचे का जो यहाँ पे एक लाइन होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन होगा उसके साथ मिला लो, देखो मिला लिया, और आपका ये जो वर्टेक्स है, आपका ये वर्टेक्स जो है इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होगा, उसके साथ मिलाना है। देखो मैं मिला लेता हूं, राइट। और हम लोग का रे कौन सा साइड में है, हम लोग का रे इस साइड में है ना, इस साइड में है, हम लोग का रे नीचे का रे इस साइड में है, तो हम लोग यहां से यहां का इस साइड का जीरो से, यहां पे दोनों साइड पे जीरो भी होगा 180 भी होगा, तो हम लोग इस साइड से रे जा रहा है तो इस साइड का जीरो से शुरू करेंगे, और ये वाला रे जो है कहां पे लग रहा है वो देखिएगा, ठीक है। ये जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग का रे जो है नीचे का रे जो है इस साइड में पॉइंट इस साइड को कर रहा है, पॉइंट इस साइड को कर रहा है, तो जो साइड पे पॉइंट कर रहा है वही का जीरो से आप शुरू करना है। तो चलो जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, फोर्टी के बीच में क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये बन गया 45, कितना 45 में है ना हम लोग का रे, जो कौन सा पॉइंट में 45 में है, तो हम लोग का ये एंगल कितना है 45 डिग्री, नाम भी लिख लो ए ओ बी विच इज 45 डिग्री, ओके। नाउ दूसरा व्यू देखते हैं, ओके, मैंने एक एंगल लिया, तो देखो हम लोग का नीचे वाला रे जो किस साइड में है, इस साइड में है ना, हम लोग का नीचे वाला रे जो है इस साइड में है, तो हम लोग ऐसे ला देंगे, फिर ये वर्टेक्स के साथ मिला वो सेंटर पॉइंट, मिलाया, अभी देखो, तो हम लोग का रे किस साइड में है, इस साइड में पॉइंट कर रहा है, तो इस साइड का जीरो से शुरू करो, जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, फिर से 45, चलो ये भी फिर क्या हो गया 45 डिग्री, तो एंगल POQ is also equals to 45 डिग्री, ओके। ये डिग्री है जो हम लोग एंगल को नापते समय इस्तेमाल करते हैं, इसका डिग्री का सिंबल यही है, और हम लोग डिग्री से नापते हैं एंगल, और क्या चीज से नापते हैं, प्रोटेक्टर से नापते हैं। तो और एक बार बता रहा हूं मैं कि अगर आपका नीचे वाला रे जो पॉइंट इस साइड में करेगा, इस साइड में, तो हम लोग पहले तो ये मालूम होना है कि यहाँ का जो वर्टेक्स है और ये मिडल पॉइंट है दोनों को मिलाना है, और अगर रे जो है इस साइड में पॉइंट कर रहा है तो इस साइड का जीरो हमेशा जीरो से शुरू करो, ठीक है ना, तो मैं ये जीरो से शुरू करेगा, देन फिर इस साइड में हम लोग का नीचे वाला रे पॉइंट कर रहा है तो ये तो मिला लिया, तो इस साइड में पॉइंट कर रहा है तो इस साइड का जीरो से फिर शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर, आई थिंक दैट इज क्लियर। नाउ हम लोग ये भी मालूम हो गया कि एंगल को नापते कैसे हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं और इसका इसका यूनिट क्या है, यूनिट है डिग्री, और कौन सा चीज से नापते हैं, प्रोटेक्टर, और हम लोग कैसे नापते हैं वो भी सीख गया। नाउ अभी हम लोग एंगल्स का थोड़ा टाइप्स देखते हैं, टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग एक्यूट एंगल देखते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, एंगल मोर देन जीरो डिग्री
बट लेस देन 90 डिग्री. क्या बोल रहा है? जो कि एंगल जीरो से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे. चलो देख लो, यहां एक ले लेते हैं एक्यूट एंगल ना. ये देखो, ये नीचे जीरो आ रहा है तो जीरो से तो ज्यादा होना है हम लोग का एंगल. खुलना है दोनों रेज को, खोलना है. कहां तक खोलना है? 90 डिग्री यहां है, इससे कम खोलना है. देखो यहां है ना, ये 90 डिग्री. चलो सोच लेते हैं ये 90 डिग्री है, हमने प्रोटेक्टर से बनाया. ओके, तो यहां से ज्यादा होना है हम लोग का दूसरा आर्म और यहां से कम होना है. कहीं पे भी हो सकता है इसका अंदर पे. तो जीरो से ज्यादा बोल रहा है तो वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, 15 हो सकता है, 20, 25, 35. कहां तक हो सकता है? 90 से कम बोला तो हम लोग 89 डिग्री तक का अंदर में. 89 डिग्री तक जो आएगा एंगल जीरो से ज्यादा होके आएगा, जीरो से ज्यादा और 90 डिग्री से कम. तो ये दोनों का बीच में जो भी एंगल आएगा उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं. एक बना लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए. मैं 60 डिग्री बना लेता हूँ. 60 भी तो क्या है, जीरो से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है. ओके, बना लिया मैंने. तो एक्यूट एंगल मालूम हो गया. एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि जो भी एंगल जीरो से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से कम होगा. एग्जांपल लेट्स से मैंने तो 60 बनाया था, वहां पे 60 डिग्री बनाया था यहां पे, है ना. तो 60 भी तो जीरो से ज्यादा है, 90 से कम है. 70 भी तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना, और 50 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है. ये सब क्या है? जीरो डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से कम है. तो उसी को बोलता है हम लोग एक्यूट एंगल. ना अभी देखते हैं राइट एंगल. राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? एंगल दैट मेजर्स, दैट मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री. सीधा 90 डिग्री वाला एंगल, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा. सीधा 90 डिग्री वाला एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं. राइट एंगल बनाते हैं. चलो नीचे वाला लाइन खींच लो यार. खींच लिया मैंने, खींच लिया ना. चलो ये वर्टेक्स को ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं अगेन. तो मैंने क्या बोला, रे जो इस साइड में आ रहा है तो ये फिर पहले मिलाया, मिला दिया. मिलाने के बाद रे जो इस साइड में आ रहा है तो यहाँ पे जीरो से देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. यहाँ पॉइंट लगा दो, ज्वाइन कर दो. दिस इज, दिस इज राइट एंगल. देखो राइट एंगल में क्या होता है, हम लोग ये भी जानना है. राइट एंगल में क्या होता है, लाइन दोनों जो है एक ऐसे तो एक ऐसे सीधा सीधा रहेंगे. ठीक है, देखो ये ऊपर गया सीधा और ये साइड में आया सीधा. ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऊपर गया सीधा और आया इस साइड में सीधा. ऐसे भी तो हो सकता है, मतलब सीधा सीधा होना है. ओके, तो राइट एंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल का मतलब है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होने वाला एंगल को राइट एंगल. और राइट एंगल के लिए हम लोग ये छोटा सा बॉक्स डालते हैं, 90 डिग्री है ये. अगर कोई भी एंगल पे ऐसे बॉक्स मिला है आपको तो दैट मींस 90 डिग्री व्हिच इज द राइट एंगल. ओके, समझ गया. तो नाउ अभी हम लोग और एक देखते हैं, दो देखते हैं. एक्चुअली वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल इन सिंगल एंगल. एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल. पर हम लोग सिर्फ चार तक ही देखेंगे, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल, आप लोग का सिलेबस के हिसाब से. ठीक है, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज ऑल्सो. नाउ देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ये ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. क्या बोल रहा है?
जो भी एंगल जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। ओके बना के देखते हैं, मैं फिर से यही साइड पे ही ले रहा हूं इसको, हम लोग का जो नीचे वाला का रे होगा वो भी लग से। तो यहां देखो इस साइड में है तो हम लोग इस साइड का जीरो से शुरू करेगा, जीरो 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ है। तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 डिग्री से कम। हम लोग को 180 डिग्री कहा है, इस साइड में रे है तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 180 यहाँ है तो 90 का है, 90 यहाँ है, इससे ज्यादा पर इससे कम, मतलब इसका अंदर में जो भी एंगल होगा तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस बोलेंगे। 90 से ज्यादा तो 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 170, 160 जो 180 से कम हो। तो मैंने बना लेता हूं यहाँ पे 140 का एक एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। ओके नाउ दिस इज 140। तो मालूम हो गया ऑब्वियस एंगल, ऑब्वियस एंगल क्या है जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। एग्जांपल में देखते हैं ऑब्वियस एंगल को, मैंने वहां क्या लिया 140 डिग्री, 150 भी तो हो सकता है, 165 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस एंगल का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बट 180 से कम। इज दैट क्लियर? Now let's see the last one, which is straight angle क्या होता है? Straight angle जो exact 180 का measurement होगा, 180 degree का, ना 180 degree से ज्यादा ना 180 degree से कम। Exactly 180 डिग्री। नाउ बनाते हैं 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री बनाएंगे हम ओ ए, ठीक है। 180 का है रे इस साइड का है तो हम लोग इस साइड का जीरो से शुरू करेंगे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180। तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। तो मैं एक चीज यहाँ पे और एक चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि स्ट्रेट एंगल के लिए ऐसे सीधा रहेंगे, सीधा सीधा स्ट्रेट एंगल, और राइट एंगल के लिए ऐसे रहेंगे, एक सीधा इस साइड और एक इस सीधा इस साइड, या एक सीधा इस साइड और एक सीधा इस साइड। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रेट एंगल का मतलब है जो एग्जैक्टली 180 मेजर करता है, ना ज्यादा ना 180 से कम, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ओके नाउ लेट्स सी टू मोर एंगल्स। यहाँ पे एंगल सिर्फ एक था, यहाँ पे तो सिर्फ एक एक का बात कर रहा था, अभी हम लोग दो एंगल से दो एंगल को प्लस करा के दूसरा कुछ एंगल बनाएंगे। ओके लेट्स से मैंने दो एंगल लिया 60 डिग्री और 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर लिया, कितना आया 90 डिग्री आया। ठीक है, सिर्फ दो एंगल लेना है आपको, जो दो एंगल अगर आप सम करते हो प्लस कराते हो तो अगर 90 डिग्री मिलता है तो वो दोनों एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। The sum of two angles, दो angles का plus क्या होना चाहिए? Measure कितना? 90 degree। उसको बोलता है complementary angles। Okay, complementary angles क्या है? दो angle को जोड़ लो, plus कर लो, तो exact 90 आएगा, 90 degree आएगा, तो उसको बोलता है complementary angles। हाँ? तो मैंने बोला 70 डिग्री है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? मैंने बोला 70 डिग्री है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? तो हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग को मालूम है
ये दोनों जोड़ने से क्या मिलता है 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों एंगल को जोड़ने से 90 मिलता है, तो इसको निकालना है तो हम क्या कर लेंगे 90 से 70 को माइनस, तभी तो मालूम चलेगा कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा। ओके नाउ क्या होएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो कितना आ गया ना 20 डिग्री। तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 20। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स को जोड़ने में जो 90 डिग्री आएगा, दूसरा नहीं 90 डिग्री, तब बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेम इसका जैसे अगर दो एंगल को प्लस कर लो, सेम इसका जैसे दो एंगल को प्लस कर लो तो अगर आपको 180 डिग्री मिलता है तो वो दोनों एंगल्स को हम लोग बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो इसका मतलब मालूम हो गया, द सम ऑफ टू एंगल्स क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल को प्लस कर लो 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलो देखते हैं, पहले हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाला था, अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स निकाल के देखते हैं। ओके तो याद देख लेना, मैंने बोला 130 है एक डिग्री, एक एंगल 130 है, दूसरा क्या होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे सप्लीमेंट्री होने के लिए तो दोनों प्लस करके 180 है, तो हम 180 से माइनस कर लेंगे किसको, जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो 180 माइनस 130 कितना आ गया 50 डिग्री। तो मालूम हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरा सप्लीमेंट एंगल जो है क्या होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए। ओके क्लियर। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा होगा बट 90 डिग्री से कम होगा, राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा ना ज्यादा ना कम, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, और स्ट्रेट एंगल क्या है जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है ना ज्यादा ना कम। ओके देन वी विल कंटिन्यू अबाउट द ज्योमेट्री अगेन। ओके थैंक यू।